नमस्कार, ओम शांति। आज पूरे विश्व में एक बड़ी विडंबना चल रही है, बड़ी त्रासदी चल रही है, और ख़ास करके भारत में, और वो है भूख। ये भूख इंसान से क्या क्या नहीं करा लेती, और कई बार तो ऐसे ऐसे उदाहरण देखने में आते हैं कि कलेजा बाहर निकल जाए और आंख से आंसू रुकना बंद नहीं होते, आने बंद नहीं होते। एक परिवार में चार लोग, माता पिता, एक बेटा और एक बेटी। पिता मजदूरी करता, जमींदार के यहाँ सैकड़ों सीढ़ियाँ ऊंची, पानी के दोनों कंधे पर वो ड्रम भर भर के जो बड़े होते हैं वो लेके जाता, भरता। उसकी वही ड्यूटी थी, वहाँ से जो पैसे मिलते उससे घर की रोजी रोटी चलती थी। लेकिन कब कौन सी परिस्थिति आ जाए कोई नहीं जानता, और एक दिन वो पैर से फिसल गया, दोनों कंधे पे वो पानी के बड़े बड़े कंटेनर भरे हुए थे उसके, और वो सीढ़ियों से गिरते गया, सर फूट गया, काफ़ी चोट आई, और खून इतना बह गया नीचे आते आते तक कि उसकी मौत हो गई। घर में तो जैसे कि बहुत बड़ी विपदा आ गई, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति था कमाने वाला, पत्नी अनपढ़, बच्चे तो अभी छोटे थे, बेटा 5 साल का, बेटी 9 साल की। लेकिन कहते हैं समाज को देखते हुए जब किसी के घर में डेथ होती है, पास पड़ोस वाले या जिसके घर में वो काम कर रहा होता है, तो कुछ 2-4 दिन खाना भेजते हैं, क्योंकि चूल्हा नहीं चलता। और यही हुआ, वो जमींदार के यहाँ से खाना आने लगा बड़े बड़े थाल भर के, और जमींदार भी बड़ा आदमी, पैसे वाला, काफ़ी अच्छे भोजन थे जो उन बच्चों ने कभी देखे भी नहीं थे, और वो ये भी नहीं जानते थे कि मौत क्या चीज़ होती है। उनके पिता मर गए, इस दुनिया से चले गए, वो कभी नहीं आएंगे, नहीं जानते थे। बच्चों को शाम तक भूख लगी थी, और शाम को जैसे ही जमींदार के यहाँ से थाल भोजन का आया, दोनों बच्चे टूट पड़े, और इतना अच्छा खाना उनको लगा, जिंदगी में पहली बार उन बच्चों को बहुत खुशी हुई। माँ रो रही थी पति की मृत्यु पे, बच्चे पेट भर के और स्वादिष्ट खाना खाने के कारण खुश थे। और कोई कितने दिन किसी का काम आता है, कितने दिन किसी की मदद करता है। 4-5 दिन तो खाना आते रहा, और धीरे धीरे बंद हो गया। घर में कुछ नहीं था, पत्नी बाहर काम करने गई, कहीं पे उसको काम भी नहीं मिला, अभागन है, पति को खा गई, और न जाने कैसे कैसे शब्द हम सब जानते हैं। और कोई गरीब हो तब तो लोगों के पास शब्दों का भंडार निकल आता है। काम नहीं मिल रहा है, बच्चा एक जगह गया, माँ मैं देखता हूँ, इतना 5-6 साल का बच्चा, छोटी सी किराने की दुकान थी, वहाँ काम मांगने गया था, लेकिन उसने देखा कि उस दुकानदार की कोई सौदा लेके गया होगा, ब्रेड नीचे गिरी थी, और वो नीचे झुका उस दुकानदार को वो ब्रेड उठा के देने के लिए। उतने में दुकानदार ने उसको झुकते देख लिया, और उसको चोर कह के बहुत पिटाई कर दी। उसने बोला, मैं तो काम के लिए आया था, कहा चोरों के लिए मेरे घर काम नहीं, उसी का बेटा है ना, तुम लोग ऐसे ही हो। बहुत उसको पीटा, बच्चा दिन भर काम के लिए इधर उधर भटकता रहा, लेकिन काम नहीं मिला। शाम को आया, उसका माथा तप रहा था, माँ ने उसके सिर पे ठंडे पानी की पट्टी रखी। डॉक्टर के पास तो ले जाने के लिए कोई पैसा ही नहीं था, वैद्य को बुलाने के लिए पैसे ही नहीं थे, रखती रही। अभी ना माँ को काम मिला, ना बेटे को काम मिला, और
बेटे और बेटी दोनों को भूख लग रही है, लेकिन जब भी भूख लगती माँ कहती पानी पी लो, पानी पिला के और सुला देती। एक दिन हो गया, दो दिन हो गया और बच्चे की हालत और बिगड़ने लगी। इधर बच्ची के भी कहीं ना कहीं भूख के मारे हालत खराब थी। धीरे से माँ के कान में जाके पूछती है, माँ भैया बीमार है ना? माँ कहती, इसमें हंसने की क्या बात है, बीमार है? और तू खुश होके बोली, माँ भैया बीमार है ना? माँ को बहुत दुख हुआ। उसने बहुत मासूमियत से कहा, माँ मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि जब कोई बीमार होता है तो वो मर जाता है, भैया कब मरेगा? और माँ तो सुनकर जैसे कि पत्थर की मूर्ति बन गई। का बागिन क्या बोल रही है? तो चार पांच तमाचे बेटी के गाल पे लगा दी। बेटी कहती, माँ मैं तो इसलिए कह रही थी कि भैया मरेगा तो फिर और खाना आएगा तो हमारे भूख मिटेगी ना। बाबूजी मरे थे तब बहुत अच्छा सब भोजन आया था। कितनी त्रासदी है इस बात की। कितने लोग शादियों में पार्टियों में बड़ी बड़ी करते हैं, कितना खाना वेस्ट करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि काश हम किसी गरीब की मदद करते। जबकि गवर्नमेंट ने हर जगह ये एडवर्टाइज दी है, हर जगह ये नंबर दिया है कि 1098 पर अगर आपके पास खाना बचता है तो फ़ोन करें, हमारे यहाँ के लोग पिकअप करके ले जाएंगे, किसी गरीब का भला हो जाएगा, कोई बच्चा भूख से मरने से बच जाएगा। लेकिन आज कहीं ना कहीं इंसानियत खत्म होते जा रही है, हमारी भावनाएं सूखते जा रही है, हमारे मन में दूसरों के प्रति वो जो स्नेह, वो जो प्रेम, वो जो दया, वो जो करुणा होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं समाप्त होते जा रही है। और ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सिग्नल है कि कलयुग अंत का समय आ गया है। कलयुग अंत आए या ना आए, लेकिन मनुष्य तो कहीं ऐसे भूखे मर रहे हैं। और ये कहानी आपको बताने का मेरा मात्र एक ही तात्पर्य है कि आप सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अगर कहीं किसी भूखे को देखे उसे कुछ खाना खिला दीजिए। अगर आपके पास है, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो खाने को वेस्ट नहीं करिए। अगर कोई भूखा है तो पैसे भले मत दीजिए, लेकिन खाना जरूर खिला दीजिए। क्योंकि कहते हैं वैसे तो ज्ञानदान सबसे बड़ा होता है, लेकिन ज्ञान इंसान कब सुनेगा जब उसके पेट में अन्न होगा। इसलिए आज की परिस्थिति देखते हुए तो यही लगता है कि अन्नदान सबसे बड़ा है। क्योंकि कहा जाता है, भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। पेट में अनाज नहीं होगा, इंसान भूखा होगा तो कोई ज्ञान नहीं सुनेगा, कुछ नहीं समझेगा। तो आज आवश्यकता है, हमारी जो संस्कृति रही है, हमारी जो सभ्यता रही है, एक दूसरे के मदद करने की, आपस में सहयोग करने की, वो करुणादायक को फिर से अपने घर उजागर करें। कहीं किसी छोटी सी बालिका को अपने भाई की मृत्यु का इंतजार ना करना पड़े, ताकि भाई मरे तो पड़ोसी के हाथ से खाना आएगा तो भूख मिटेगी। आशा है आपने हमारा से समझ लिया होगा। और जब कहीं किसी गरीब को देखें, कुछ फल फ्रूट खाना जो भी दे सकते थे, आपके घर में कोई पार्टी हो, शादी हो, बर्थडे हो, बहुत खाना बच जाता और फेंक जाता है, 1098 पर जरूर संपर्क करके लोगों को वो खुद फोन कर दीजिए, वो खुद आके आपके यहाँ से ले जाएंगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, ओम शांति।